चार दिन से लापता बच्चे का सुराग नहीं लगा पाई अभी तक सुल्तानपुर घोष थाने की पुलिस। मामला है फतेहपुर जनपद के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अकली का पुरवा मजरे बहेरा सादात का रहने वाला कालीचरण मौर्य गेदी मऊ के पास अपने खेतों में घर बनाकर रहता है, तो खेती बाड़ी व मजदूरी का कार्य करता है। उन्हीं का 14 वर्षीय नाबालिग बेटा शिवम कुमार मौर्य भी अपने माता पिता के कामकाज में हाथ बटाने के साथ साथ पढ़ाई भी करता है। 10 जून को शिवम लगभग 7 बजे शाम को दूध देने के लिए घर से निकला ही था कि थोड़ी देर बाद पलिया बुजुर्ग के पशु चिकित्सालय में तैनात पशु चिकित्सक विजय कुमार मेरे घर पर आए और वो ये बताने लगे कि शिवम क्या दूध डेयरी में दूध देने गया है। तो शिवम के पिताजी ने कहा कि वो दूध डेयरी में नहीं गांव में दूध देने गया है। तो डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि शिवम तो साइकिल द्वारा खागा की तरफ गया है, मैंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुझे देखकर और तेज़ी से साइकिल चलाते हुए भाग गया। ये बात शिवम के पिता से बार बार कहने लगा। इसके बाद परिजनों ने शिवम को तलाशना शुरू किया लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चल सका। सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो उसने भी शिवम कहीं दिखाई नहीं दिया, परंतु वो पथ चिकित्सक कैमरे की कैद में बराबर बना रहा और दूसरे बच्चे को शिवम बताकर बराबर परिजनों को फोर्स करता रहा, जिसके चलते परिजनों को डॉक्टर के ऊपर संदेह उत्पन्न हो गया। परिजनों ने सुल्तानपुर घोष थाने में शिवम के गुमशुदगी की लिखित शिकायत देकर शिवम के ढूंढने की गुहार लगाई। समाचार लिखे जाने तक पुलिस के द्वारा कोई भी सटीक तथ्य नहीं दिए गए। वंदे भारत से नाजिया परवीन की खास रिपोर्ट। वंदे भारत के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं गुलाब सिंह यादव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खागा तहसील संवाददाता क्राइम ब्यूरो वंदे भारत। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं सुल्तानपुर घोष थाना अंतर्गत अकील सराय अकील अकली कपूरवा मजरे बहेरा सादात नियर गैदुआ गधे मऊ के पास एक अकली के पुरवा का परिवार रहता अपने खेतों में मकान बना करके और उनका बच्चा अभी 4 दिन पहले गायब हुआ है और सूत्रों के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, तो हम आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। आइए जानकारी लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे कहां से बच्चा गायब हुआ। दादा क्या नाम है आपका? कालीचरण मौर्य। गाँव कौन सा दादा आपका? अकली का पुरवा। अकली का पुरवा कौन सा थाना लगता है? सुल्तानपुर घोष। दादा क्या मामला है, बच्चा आपका गायब हुआ है? जी। कैसे गायब हुआ है? बच्चा हम लोग गुर्दा काट रहे थे, वो कोचिंग गया था, कोचिंग से वापस आया, थोड़ा से गया गुर्दा कटाया, मैं बोला बबुआ दूध दे आओ नहीं फिर लेट हो जाएगा, वो अपना गाय तुरंत चला आया। दिन डूब रहा था तब गया, पहले अल्लीपुर गया एक आदमी को दूध दिया, उसके बाद बहेरा गया हसीन प्रधान को दूध दिया, उसके बाद वो नहीं आया, मैं अपना कूट रहा था, इसके बाद विजय डॉक्टर वहाँ से आए धोन के कुआं से। ये विजय डॉक्टर कौन है? ये जौनपुर के हैं, यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये धोन के कुआं पे। तो वो यहाँ क्यों आए थे? तो वो बताने आए थे, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो आए तो दोनों लोग हम उर्दा कूट रहे थे, इसी जगह मोटरसाइकिल खड़ी किया, बोले काली भाई यार वो आज सीएम दूध डेहरी दूध देने गया है का? तो हम कहा नहीं डॉक्टर साहब, वो दूध देने वहाँ क्यों जाएगा, वो तो अल्लीपुर इस्लाम के यहाँ और हसीन प्रधान के यहाँ जाता है दूध देने। कहा ना काली भाई हमको वही मिला है वहाँ पे मुर्गी फार्म के पास। तो ये जो विजय डॉक्टर है दादा, ये आपको कैसे जानता है या आपके बच्चे को कैसे जानता है? हम वो भी बता रहे हैं, हमारी भैंस बीमार बीमार थी तो इलाज के बारे में आया था, तो इलाज ठीक किया था, तो एक राउंड या दो राउंड से दोबारा पशु डॉक्टर हैं जानवरों के, जानवर के, तो इस इलाज करने से धीरे धीरे हमारा उसका थोड़ा व्यवहार हो गया और हमको अच्छा समझ में आ रहा था। जैसे मैं परेशान था उसी तरीके ये घर में ये भी परेशान था, तो मैं सोचा मैं भी परेशान हूँ ये भी परेशान है, तो दुख ही आया, जो दुख से गुजर रहा तो वो एक दूसरे की मुसीबत दुख जानता है, तो उसी तरीके से मेरा इसका मामला चल रहा था, मतलब बराबर घर पे आना जाना था। जी जी। वंदे भारत के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं गुलाब सिंह यादव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के खागा तहसील संवाददाता क्राइम ब्यूरो वंदे भारत। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं सुल्तानपुर घोष थाना अंतर्गत अकील
सराय अकील अकली कपूरवा मदरे बहेरा सादात नियर गैदुआ गधे मऊ के पास एक अकली कपूरवा का परिवार रहता है, अपने खेतों में मकान बना करके, और उनका बच्चा अभी 4 दिन पहले गायब हुआ है। और सूत्रों के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, तो हम आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। आइए जानकारी लेते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे कहां से बच्चा गायब हुआ। दादा क्या नाम है आपका? कालीचरण मौर्य। गांव कौन सा दादा? अकली का पूर्वा। अकली का पूर्वा कौन सा थाना लगता है? सुल्तानपुर घोष। दादा क्या मामला है, बच्चा आपका गायब हुआ है? जी। कैसे गायब हुआ है बच्चा? हम लोग भुर्दा काट रहे थे, वो कोचिंग गया था, कोचिंग से वापस आया, थोड़ा से गया उर्दा कटाया, मैं बोला बबुआ दूध दे आओ नहीं फिर लेट हो जाएगा, वो अपना गया तुरंत चला आया, दिन दो रहा था तब गया, पहले अल्लीपुर गया एक आदमी को दूध दिया, उसके बाद बहेरा गया हसीन प्रधान को दूध दिया, उसके बाद वो नहीं आया, मैं अपना कूट रहा था, इसके बाद विजय डॉक्टर वहाँ से आए धोन के कुआं से। ये विजय डॉक्टर कौन है? ये जौनपुर के हैं, यहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ये धोन के कुआं पे। तो वो यहाँ क्यों आए थे? तो वो बताने आए थे, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो आए तो दोनों लोग, हम उर्दा कूट रहे थे इसी जगह मोटरसाइकिल खड़ी किया, बोले काली भाई यार विजय डॉक्टर, तो बोले जब आए दादा तो कितना समय हो रहा था लगभग? खाली तो मेरे पास या घर भी लमसम वो करीब 7 वाट का समय था जी, अंदाजा और कम ज्यादा भी हो सकता है, तो लगभग इसी तरीके। आने के बाद क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि आज सीएम दूध लेके दूध डेहरी गया है क्या? तो हम कहा ना दूध डेहरी नहीं गया, वो जो है अलीपुर अनवार के यहाँ दूध देने गया है, और हसीन डॉक्टर के यहाँ प्रधान जी के यहाँ गया है। तो कहे वो तो यार हमको वहाँ पप्पू फार्म मुर्गी पे मिला है सीएम, हम कहा हुआ वह जाते नहीं उधर इतने टाइम में कहा करे जाए, वो अकली के पूर्व पैदा भा अकली के पूर्व की तरफ मोड़ के नहीं देखता रोड से। तो इसके बाद इसी तरीके की बात हो रही थी, तो बोला नहीं सीएम ही है, कहा नहीं भाई वह हुआ कहाँ जाए, तो बोला मैं तो देखा हूँ जींस का पैंट पहने है और शर्ट पहने है, दो झोला टांगे है हैंडल में, और मैं उसका पीछा किया हूँ, और जितना उसके करीब मैं जाता था उतनी तेज साइकिल खेद रहा था। डॉक्टर काहे से था, मोटरसाइकिल से था कि साइकिल से? मोटरसाइकिल से था, मेरे दरवाजे पे मोटरसाइकिल से था। तो बोला कि नहीं वही है, मैं उसका पीछा किया काफ़ी दूर तक, लेकिन घूम घूम के वो थोड़ी थोड़ी देर में मुझको देखता था, और मैं उसका जितना पीछा करता था उतना वो तेज भागता रहा साइकिल से। तो कहा यार आपको भ्रम हुआ है, सीएम वहाँ जाएगा ही नहीं। कहा नहीं मानो वही है सीएम है। तो आपने इसकी जो बच्चा आपका गायब हुआ इसकी आपने कहीं पे शिकायत दर्ज कराई? तो बता रहे ना, इसके बाद मैंने फोन किया जहाँ दूध जाता, तो हर दोनों जगह पता मिला कि वो तो चला गया दूध देने देके। तब मैं उठाया साइकिल, तो वो बोला यार काली भाई सही चली का अमकान न, हम साइकिल से पता कर लेंगे, बहेरा रोड एंड रोड गए न मिला, अल्लीपुर गए उधर भी न मिला, फिर आए तो हम कहा ऐसा करो फोन करो गहिदवा से एक मोटरसाइकिल से देखी न कहा शायद, अब एक बात तो बोलते हैं कहे परेशान हो हम, हन तो चली थी, तो हम सोचा कि जब तक गहिदवा से मोटरसाइकिल आई काफ़ी टाइम टूट जाए कहाँ निकल जाए, अब हम उसके साथ विजय डॉक्टर से कि सीएम कहाँ गए इतनी तेज निकल गया कि मोटरसाइकिल से अभी नहीं पा रहे, तो कहे वो हो सकता भ्रम हो गया हो दिशा, और वो जो है उसी में अपना तेज से जा रहा, 3 बार पूछा मैं खागा तक गया बच्चा मुझे नहीं मिला, फिर उधर से वापस आया बच्चा नहीं मिला, इसके बाद मैं यहाँ आया, फिर अपने रिलेशन में गांव में फोन करके बताया, उसी वक्त से ढूंढना चालू हो गए। दूसरे दिन मैं आया, फिर धूप हुई दुकान खुली, तो वहाँ सीसी कैमरे में मैं देख रहा हूँ,
मेरे रिलेशन वाले देख रहे, उसको भी बुलाया विजय डॉक्टर को, मुझे उस पे शक नहीं था, उसको बुलाया। इसके बाद देखा जा रहा है तो न साइकिल दिखा रही है, न डिब्बा दिखा रहा, न मेरा बच्चा दिखा रहा। आपने इसकी सूचना कहीं दी कि नहीं दी? थाने में दी। और ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, ये सीएम है, ये झोला है, ये साइकिल है। और सारे लोग कह रहे हैं नहीं, ये सीएम नहीं है, ये छोटी साइकिल नहीं। दावा कौन कर रहा था? विजय डॉक्टर। और उसमें विजय डॉक्टर खाली दिखा रहे थे बस। विजय डॉक्टर दिखाई दे रहा उसमें? हाँ। किसमें? सीसीटीवी में? जी। तो ये आपने जब थाने में शिकायत की तो आप तक अभी को आपको वहाँ से क्या आश्वासन मिला, क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या, अप्लीकेशन दिया, अप्लीकेशन ले लिया, फिर दूसरे दिन दिया, वही गुमशुदगी का दिया था पहले दिन जी, फिर दोबारा दूसरे दिन फिर इनके नाम पे दिया। किसके नाम पे? विजय डॉक्टर के। अच्छा। जब सीसी कैमरे में देखा तो मुझको अब इस पे पूरा हो गया। विजय डॉक्टर इस समय कहाँ है? विजय डॉक्टर पलिया में तैनात थे, वहाँ से पकड़ के घोष थाना। सुमन देवी। ये शिवम मौर्य एक बच्चा, ये कौन है? आपका लड़का है क्या? मेरा बेटा है। ये बेटा, ये कब गायब हुआ है? 10 तारीख को। आपने थाने में शिकायत दी? जी। थाने से क्या हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। जब आप लोग थाने जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है वहाँ से? वहाँ से कोई सुनाई नहीं होती है। कोई सुनाई नहीं होती जी, नहीं। तो ये जो विजय डॉक्टर डॉक्टर पकड़ा गया है जी, तो ये आपके घर आता जाता था क्या? जी। क्यों आता जाता था? अरे ये जानमारी का डॉक्टर था तो दवा ववा करने आता था। अच्छा। तो आप इस समय प्रशासन से, शासन से क्या मांग करना चाहती हैं? मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे बस। अभी तक उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कार्रवाई हुई है मगर कोई सुनाई नहीं, प्रशासन कोई सुनाई नहीं कर रही। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया। वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन।